ASI NET क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSI NET प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया PKR, PK1, PK2 इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो चीजों को। नाउ लर्न करने के बाद अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सो आपने अमीनो एसिड के बारे में कई सारी चीजें देख ली। जब अमीनो एसिड के बारे में कई सारी चीजें देख ली तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कैसे होते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से लिंक होते हैं। एक अमीनो एसिड जो होते हैं दैट इज व्हाट द पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड की बात करते हैं, पेप्टाइड के बारे में। सो पेप्टाइड में अक्सर जनरली कंफ्यूज होते हैं कि जैसे एक होता है डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एक होता है ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। मुझे एक जरा सा आंसर बताइएगा, डाइपेप्टाइड में डाइपेप्टाइड जो होता है इसमें दो अमीनो एसिड होते हैं या दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, होता क्या है, दो अमीनो एसिड या दो पेप्टाइड बॉन्ड? चलिए यहां पे जो डाई ट्राई टेट्रा ये सारे पार्ट जुड़ते हैं ना, ये किसके लिए होते हैं, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ अमीनो एसिड के लिए। अगर डाई है तो कितने होंगे, दो अमीनो एसिड होंगे, टू अमीनो एसिड। अगर ट्राई है तो तीन, टेट्रा होगा तो चार होगा, ठीक है। सो डाई पेप्टाइड इसको बोला जाता है, दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड। ट्राई को तीन अमीनो एसिड दो पेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रा को चार अमीनो एसिड तीन पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन तब जब ये क्या है, ये लीनियर पेप्टाइड है, दिस इज व्हाट लीनियर पेप्टाइड। अब बात करते हैं सर्कुलर पेप्टाइड के बारे में, व्हाट इज सर्कुलर पेप्टाइड। सो याद रखिएगा लीनियर पेप्टाइड में, ठीक है, लीनियर पेप्टाइड में बात करेंगे तो लीनियर पेप्टाइड में इफ इफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज एन, देन पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा, देन पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा। ये रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में भी आपके काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो n माइनस वन बनेगा। गाइस देखिए ना, इसमें अमीनो एसिड यहाँ पे क्या है, एक है दो है, पेप्टाइड बॉन्ड कितना बना एक, यहाँ पे एक दो तीन है तो ये कितना बना एक दो, अगर एक दो तीन चार है तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है एक दो तीन, एक कम बनेगा हमेशा n माइनस वन, दिस इज फॉर द लीनियर पेप्टाइड। नाउ इफ टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर पेप्टाइड, व्हाट इज अबाउट द सर्कुलर पेप्टाइड। अगर सर्कुलर पेप्टाइड के बारे में बात करूं तो सर्कुलर में केस उल्टा हो जाता है, सी हियर गाइस, ठीक है, सी हियर। जरा सा मुझे एक बात बताओ कि इसमें कितने अमीनो एसिड दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में कितने अमीनो एसिड दिख रहे हैं, चार अमीनो एसिड, ठीक है, एक दो तीन चार। कितने पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। दैट इज व्हाट यहां पे इफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड, इफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज इक्वल टू एन, देन पेप्टाइड बॉन्ड भी जो होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड विल बी एन ऑल्सो, पेप्टाइड बॉन्ड भी एन ही बनने वाला है, ठीक है, एन ही बनने वाला है। नाउ सो आप लोगों को समझ में होगा कि सर्कुलर और लीनियर पेप्टाइड के केस में थोड़ा सा अलग होता है जब मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करते हैं। ये क्यों बता रहा हूं, सो दैट इज व्हाट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेजिड्यू। से पहले हम एक अमीनो एसिड की बात करता हूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दैट इज द 128। कितना होता है, ये होता है आपका 128 होता है, 128 होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका। नाउ अगर रेजिड्यू की बात करें दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेजिड्यू। जब रेजिड्यू की बात करेंगे तो रेजिड्यू मतलब रेजिड्यू क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड में पेप्टाइड के अंदर वो अमीनो एसिड गया है, तो यहां पे 128 माइनस 18 करेंगे तो 110। क्या 110 केजी, 110 क्या केजी, 128 क्या केजी, नो इट्स अ डाल्टन, ठीक है, इट्स अ डाल्टन, ये डाल्टन होगा, ठीक है, डेफिनेटली इट विल बी द डाल्टन, ये डाल्टन होगा। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि ये डाल्टन होता है रेजिड्यू में, तो इसी का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं इस चीज को कि फॉर अ क्वेश्चन, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ एन पेप्टाइड, इफ अ पेप्टाइड, ठीक है, इफ अ पेप्टाइड इज मेड अप ऑफ, इफ अ पेप्टाइड इज मेड अप ऑफ 100 अमीनो एसिड, ठीक है, 100 अमीनो एसिड रेजिड्यू,
तो ए कि उसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा इफ पेप्टाइड इज लीनियर, पेप्टाइड लीनियर होगा तो मॉलिकुलर वेट कितना होगा, एंड बी मॉलिकुलर वेट इफ पेप्टाइड इज सर्कुलर। जरा सा कोई बताने की रहमत करेगा, कोई मुझे बताएगा क्या होना चाहिए आंसर जी, फटाफट देखते कौन बता पाता है योद्धा कौन है इस क्लास में। ठीक है, ए की बात करते हैं अगर पेप्टाइड लीनियर है तो। ठीक है, सो किलो डाल्टन में बताइएगा मुझे, किलो डाल्टन में बताइएगा, उससे पहले मत बताइएगा अगर किलो डाल्टन में नहीं बताना है तो। लीनियर होगा तो यहाँ पे एन अमीनो एसिड कितना, एन का नंबर है 100 अमीनो एसिड, सो पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज व्हाट द 99 ना। सो इस क्वेश्चन में जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 100 अमीनो एसिड रेजिड्यू, मैंने डेटा दिया कि कितना डाल्टन का है वो मॉलिक्युलर वेट, एक सिंगल अमीनो एसिड का कितना है, नहीं दिया है तो क्या कंसीडर करेंगे, जब नहीं दिया है तो सीधे सीधे 110 डाल्टन कंसीडर करेंगे। अब 110 डाल्टन जब कंसीडर करेंगे सो ऑब्वियस ही बात है 110 डाल्टन चाहे लीनियर की जब बात करोगे आप, लीनियर की जब बात करोगे तो ये सीधा सीधा 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, दैट इज व्हाट 11 किलो डाल्टन, सीधे सीधे 11 किलो डाल्टन आ जाएगा, आ रहा है, दिस इज व्हाट 11 किलो डाल्टन ही आ जाएगा ये। नाउ बी के फॉर्म में, ये बी के फॉर्म में आ जाएगा जिसमें कि 11 किलो डाल्टन आ जाएगा, सिंपल 11 किलो डाल्टन, और चाहे बी का केस हो कि सर्कुलर भी हो, सर्कुलर भी होगा। ठीक है, यहां पे अगर आप इस तरीके से करोगे इस फॉर्म में लीनियर और सर्कुलर तो आप इस तरीके से सिंपली कर सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्टली यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे करेक्टली यूज करेंगे उस चीज को देखिएगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में एक अमीनो एसिड का ये होता है जब कुछ ना दिया हो कि लीनियर है कि सर्कुलर सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब लीनियर सर्कुलर की बात आती है ना तब आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड इन सब से। ठीक है, सो एग्जैक्टली आप देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करेंगे आप इस तरीके से, ए 100 दैट इज 120 ये आ जाएगा 12800 और पेप्टाइड बॉन्ड जो आ जाएगा वो पेप्टाइड बॉन्ड, अब बात करूंगा मैं सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड में क्या आ जाएगा 99 × 18, ये वैल्यू कितनी आ रही है 99 × 18 कितना आ रहा है, ओके इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू इसमें से माइनस करिए, इस पर्टिकुलर में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 12800, इसमें अगर माइनस करेंगे आप तो क्या जाना चाहिए, ठीक है 11018 ये आ रहा है ना, देखिएगा अब ये आ रहा है 11018 ना। अब इसको सर्कुलर के लिए, सर्कुलर के लिए एन जो है वो 100 होगा, 100 के बाद 128 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12800 करेंगे, और पेप्टाइड के लिए फिर करेंगे यहाँ पे तो पेप्टाइड भी 100 होगा, इससे 100 मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द 1800, ये माइनस करेंगे तो 11000 आ जाएगा, दैट इज व्हाट 11 किलो डाल्टन, ये क्या आ जाएगा ये 11.08 किलो डाल्टन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे होंगे कि इसमें से 18 माइनस कर दोगे ना तो आपका आंसर आ गया, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप देखोगे तो सर्कुलर पेप्टाइड जो होगा, सर्कुलर पेप्टाइड आपको चाहिए तो सर्कुलर जो होता है वो लीनियर माइनस 18 होता है, लीनियर माइनस 18, एक और पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ दीजिए तो आ जाएगा सीधा सीधा आंसर, वाई 18 इज मल्टीप्लाइड, यही तो समझ में नहीं आता 18 आया कहां से। ठीक है, 18 आया कहां से, उसका रीजन क्या बताते हैं, कभी नाम सुना हुआ जिंदा जिसके भरोसे रहते H2O, आज तक समझ में नहीं आया कि 18 आया कहां से, पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो H2O निकलता है तो वो H2O इसीलिए करते हैं, ये 18 जो होता है H2O का मॉलिकुलर वेट होता है, इज इट क्लियर। अगर कुछ नहीं दिया हो, अगर यहां पे कुछ नहीं दिया होता तो आप सीधे सीधे 11 का 110 का मल्टीप्लाई करते और सॉल्व कर लेते, तो आप बताइए कि जो जनरली आप बाय डिफॉल्ट सॉल्व करते हो वो सर्कुलर सॉल्व करते हो या लीनियर सॉल्व करते हो, जो बाय डिफॉल्ट सॉल्व करते हो वो सर्कुलर सॉल्व करते हो या लीनियर सॉल्व करते हो, आप सर्कुलर सॉल्व करते हैं,
बाई डिफॉल्ट सर्कुलर सॉल्व करते हुए दिख नहीं रहा है यहाँ पे 11 किसका आ रहा है, सर्कुलर का आ रहा है, अभी तो समझ जाओ ठीक है। बाई डिफॉल्ट सर्कुलर का सॉल्व करते हैं आप लोग। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं विनेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड विरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।